हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। इस समय मैं आया हुआ हूँ एक होटल में जिसका नाम है हैम्पटन हिल्टन। अब देखिए, हिल्टन जो है एक इंटरनेशनल चेन है होटल्स की, और मैं हिल्टन होटल्स में दुनिया के कई कंट्रीज़ में रुक चुका हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल US में, पोलैंड में और हंगेरी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी में हॉस्पिटैलिटी या होटल जॉब्स की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, हमसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्या मुझे हंगेरी में होटल में जॉब मिल सकता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मुंबई से, जिनको उनके एजेंट ने बोला कि उनको होटल में जॉब मिलेगी, और ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके पास ऑलरेडी डिग्री है होटल मैनेजमेंट में, और ये ऑलरेडी इंडिया में मुंबई में होटल्स में काम कर चुके हैं। अब जब इनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया तो कॉन्ट्रैक्ट था फैक्ट्री में जनरल हेल्पर का, जबकि एजेंट ने इनको मुंह से बोला था कि इनको होटल इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। अब देखिए क्या रियलिटी है हंगरी में होटल इंडस्ट्री में जॉब्स की। अब देखिए, रिसेप्शन पे आपको जॉब नहीं मिलेगी या फ्रंट ऑफिस में, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मुंबई में किसी को होटल में रखना होगा, रिसेप्शन में, फ्रंट ऑफिस में, मैं चाहूँगा उसको हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी आती हो। अब यहाँ पे जैसे जो मेरे पीछे रिसेप्शनिस्ट हैं, ये हंगेरियन है। कई बार एक आध ट्रेनी फॉरेनर होता है, लेकिन वो ऐसा होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा हो। तो फ्रंट ऑफिस में, यूरोप में, अगर आप बाहर से हैं, लोकल नहीं हैं और लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो जॉब मिलने के चांसेस ज़ीरो हैं। कुछ केसेस में ऐसे ट्रेनी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी इस कंट्री में मौजूद हों। दूसरी कैटेगरी है फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज में भी देखिए क्या है, आपको तभी जॉब मिलेगी जब आपको लैंग्वेज आती हो, क्योंकि एज अ वेटर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मौजूद हैं तो F&B में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में इंडियन वेटर्स को देखा है, इंडियन स्टूडेंट्स को, उनको हंगेरियन नहीं आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो ऐसे लोगों के लिए है जो किचन में है। शेफ्स बहुत सारे इंडियंस हैं यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में, वो बेसिकली इटालियन भी खाना बनाते हैं, इंडियन भी बनाते हैं, इंडिया में तंदूरी और करी बनाते हैं, पेस्ट्री शेफ भी हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिलने की उम्मीद है वो किचन में है, और फिर अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो शायद F&B में या कुछ केसेस में फ्रंट ऑफिस में मिल सकती है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं हाउसकीपिंग, क्योंकि हाउसकीपिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हाउसकीपिंग में भी कुछ इंडियंस काम करते हैं। हाउसकीपिंग यानी साफ़ सफाई का काम हो गया, होटल में बेडशीट चेंज करना हो गया, टॉयलेट क्लीन करना हो गया। लेकिन क्या है, इसमें आप होटल के सीधे एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये जो जॉब होती है ये आउटसोर्स की जाती है। तो हाउसकीपिंग में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फ्रंट ऑफिस में पॉसिबल नहीं है, और फूड एंड बेवरेज में भी पॉसिबल कम है। तो अगर आपको कोई और सवाल है हंगेरी में होटल इंडस्ट्री में जॉब्स के बारे में, तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।